व्रत में खाई जाने वाली कूटू की पकौड़ी बहुत ही आसान बन जाती हैं, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी भी होती हैं। नवरात्र व्रत हो या कोई और व्रत, या व्रत ना हो, ऐसे भी आप बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कूटू की पकौड़ियाँ। 4 उबले हुए आलू को छील लिया है और आलू ध्यान रहे ठंडे होने चाहिए 3 से 4 घंटे। इस तरीके से हाथों से सभी आलुओं को मैश कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें कटा हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अब आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, अब सेंधा नमक व्रत वाला टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें, और 2 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे, नींबू का रस, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 कटोरी कूटू आटा को छान कर रखा है, उसको ऐड करेंगे। थोड़ा आटा कम ही मिलाएंगे, आलू की मात्रा ज़्यादा रखेंगे जिससे ज़्यादा अच्छी क्रिस्प बनेगी। आटा ज़्यादा हो जाता ना थोड़ा कच्चापन लगता है। इस तरीके से आलुओं को और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से उसको गूँथेंगे इस तरीके से। इस तरीके से गूँथ लेंगे। पकौड़ी के बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, सेम ही थिक रखना है जैसे हम लोग पकौड़ियाँ बनाते हैं, देखिए। और इस तरीके से ना पकौड़ी को इस तरीके से छोटे से पोर्शन में डालकर देख लेंगे, एकदम परफेक्ट बैटर हो गया है। तो चलिए अब कढ़ाई में हमने मूंगफली का तेल लिया, आप चाहें तो देसी घी या जो भी ऑयल खाते हो उसमें रख उसमें बना सकते हैं आप। फ्लेम को मीडियम रखें और छोटे छोटे पोर्शन में बनाएं जिससे पकौड़ियाँ क्रिस्प होंगी। और 1 मिनट तक उन्हें नाचवें, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तो इस तरीके से चलाएं, और चलाते हुए ने गोल्डन ब्राउन होने तक जब अच्छा कलर आ जाए तब तक उन्हें जो है सेकें। फ्लेम को अब थोड़ा सा मीडियम पे ही रखें और पकौड़ी देखिए अच्छा कलर आ गया। पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। कूटू गर्म होता है अगर हो सके, अगर आप दही खाते हो दही से खाएं, बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे आप चाय चटनी जिससे भी खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।